हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक या दो नहीं चार चटनी की रेसिपीज। और ये जो सारी चटनियाँ हैं बनाने में जितनी आसान है ना उतनी ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है, तो आप भी इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 घंटे यहाँ पे इमली को भिगो कर रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसका पल्प हमको निकालना है, तो इसको भिगो कर इसके बीज वगैरह या इस तरह से धागे वगैरह होते हैं उसको रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट इस इमली को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गुड़, और गुड़ ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 से 1.5 चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैं मिर्ची ऐड करूँगी। तो बेसिकली इस चटनी को हमें खट्टा और मीठा रखना है और थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी रखना है, और इसमें सेम इमली का पानी ऐड कर इसे हम पीस लेंगे। तो ये जो चटनी है ये चाट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी भी तरह का अगर आप चाट बनाते हो, चाट पूरी बनाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ ही साथ जो मूंग के पकौड़े होते हैं या वो मूंग के डोसे होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी चटनी की तरफ। तो ये है धनिए की चटनी, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है पराठे के साथ। चाहे वो आलू का पराठा हो, मेथी का पराठा हो या मूली का पराठा, ये चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इस चटनी को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चटनी को कैसे बनाना है। तो इस धनिया की चटनी को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 लहसुन की कली, और नेक्स्ट इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लूँगी, और नेक्स्ट इसमें मैं यहाँ पे 2 सूखी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली मिर्ची पाउडर जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। मिर्ची ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर आप इसे पीस लीजिए, और यहाँ पर आपकी देसी मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है। सो गाइस, ये थी बहुत ही आसान सी चटनी की रेसिपी। जैसे कि आपने देखा सिर्फ 4 चीज़ें हमें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें भी ऐड नहीं करनी है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस चटनी को भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पराठे बनाएंगे तो आप इस चटनी को बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी चटनी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये है लहसुन की चटनी। तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने लहसुन की कली ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको भी बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हो लहसुन की कली मैंने ले ली है, बहुत सारी लहसुन, और उसमें मैंने मिर्ची का जो पाउडर होता है चिली पाउडर उसको ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें एकदम से कभी भी नमक ज़्यादा ना डालें, आप बाद में भी थोड़ा सा अगर नमक कम ज़्यादा होता है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ज़्यादा ना डालें। तो यहाँ पे नमक मैंने ऐड कर दिया है, और नेक्स्ट इसमें भी हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इस चटनी को पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस चटनी को पीस लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इस चटनी की खासियत ये है कि आप इस चटनी को 1 महीने तक स्टोर कर फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस लहसुन की चटनी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो भी हमने चटनी पीसी है उसे इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से हल्का फ्राई करेंगे। और इस चटनी से घर पे इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है कि बहुत तेज़ी से भूख लगने लग जाती है। और ये जो लहसुन की चटनी है ये दाल बाटी के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बस साइड में इस तरह से तेल छूटने लग जाए तो आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर एयर टाइट कंटेनर में बंद कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये बनकर तैयार होगी हमारी देसी एकदम तीखी वाली लहसुन की चटनी। तो इस चटनी को आप दाल बाटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, और इवन आप इस चटनी को लंबे समय तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी चौथी वाली चटनी की तरफ। तो यहाँ पर अगेन हमें चाहिएगा थोड़ा कटा हुआ धनिया। तो धनिया ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने के थोड़ी सी इमली। इमली ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ टुकड़े मैं गुड़ के ऐड करूँगी, यानी जैगरी ऐड करूँगी। गुड़ ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा मैं ऐड करूँगी।
नेक्स्ट जीरा ऐड करने के बाद लास्ट में हमें 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर ऐड करना है, यानी चिली पाउडर ऐड करना है। बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर इस चटनी को पीस लीजिए और ये बन गई हमारी चटनी। तो ये चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाकरे के साथ, पराठे के साथ बहुत ही स्वाद आता है। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, सारी ही चटनी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, रेसिपीज सारी ही बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इन चटनी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना, मैं श्योरली कहती हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 डिफरेंट चटनी की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अपने चैनल पर व्लॉग्स, रेसिपीज़ और DIYs के वीडियो शेयर करती हूँ, मेकओवर वीडियो शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।